अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और जयंत चौधरी हर किसी के जहन में इस वक्त ओपी राजभर। ओम प्रकाश राजभर के रोले को देखकर तीनों के तीन हैरान। योगी के बीच जब तीनों नेताओं पर भारी पड़ गए ओपी राजभर, तो अब ये तीन वक्त का क्यों करने लगे इंतजार। तीनों नेता समझने का कर रहे प्रयास, आखिर मोदी योगी ने राजभर की राजनीति में क्या देखा कि मान लिया इनका सब पर है भारी रुतबा। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बनने से क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है, या फिर कुछ नेता भयंकर वाली टेंशन में आ गए। आप सोचेंगे टेंशन किस बात की, लेकिन बीजेपी के तीन दोस्तों को राजभर के मंत्री बनने से टेंशन तो है। वो कहते हैं ना, दोस्त जब परेशानी में होता है तो उसे देखकर मन करता है कुछ करा जाए, और जब वही दोस्त सबसे ज्यादा नाम इकराम कमा लेता है तो जी भर कर जी जलता है। अब जबकि सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को योगी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी, तो तब तक एनडीए के सहयोगियों को उनसे सहानुभूति थी, लेकिन जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओपी राजभर को मंत्री बनाया, तो अब एनडीए में ओपी राजभर के उन्हीं दोस्तों को भयंकर टेंशन है। अब उन दोस्तों में एक को तो ओपी राजभर के मंत्री बनने से जबरदस्त वाला झटका लगा, जिससे वो शायद ही अब निकल पाए हों। राजभर के तीन दोस्त, तीन पार्टी अपना दल सोनेलाल निषाद पार्टी और आरएलडी के सर्वे सर्वा हैं, जिनके नेता इस वक्त ओपी राजभर के चेहरे पर बिखरी चमक से बेहाल हैं और एक विश मांग बैठे हैं। इन तीनों नेताओं के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, किस वजह से एक तरह से ओपी राजभर से खफा है, असल वजह इस रिपोर्ट में जान पाएंगे। इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिए। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में शामिल हुए चार नए कैबिनेट मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ। पिछले दिनों मंत्री पद की शपथ लेने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर को मंत्रालय मिल गया, जिस पर उनकी प्रतिक्रिया सामने आई। ओम प्रकाश राजभर को योगी सरकार में पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग दिए गए, जिसके बाद राजभर काफी खुश दिखे। योगी सरकार में विभाग मिलने के बाद उन्होंने पहली बार प्रतिक्रिया दी और सीएम योगी को धन्यवाद दिया। सुभाषपा ने एक्स पर सीएम योगी को धन्यवाद देते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल में पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग की जिम्मेदारी प्रदान करने के लिए समस्त शीर्ष नेतृत्व को हृदय से आभार। अब सीएम योगी को सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की ओर से थैंक यू कहना तो बनता है। थैंक यू वो कहीं भी तो क्यों ना कहें, आखिर एक भारी भरकम मंत्रालय जो मिला। इस तरह के मंत्रालय मिलने के लिए न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन ओपी राजभर को एक झटके में मिल गया। अब जबकि ओम प्रकाश राजभर यूपी सरकार में मंत्री बन गए हैं और उन्हें मलाईदार विभाग भी मिल गया, तो वो काफी उत्साहित है। पिछले दिनों मंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि वो सीएम योगी के बाद सरकार में सबसे पावरफुल हैं। यही नहीं, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को पीला गमछा पहनकर थाने जाने को कह दिया था। वाकई में ओपी राजभर पावरफुल तो हैं, तभी तो योगी सरकार में हाल में जो चार नए मंत्री बने, इनमें ओम प्रकाश राजभर के अलावा दारा सिंह चौहान को कारागार मंत्रालय, रालौद कोटे से मंत्री बने अनिल कुमार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और साहिबाबाद से बीजेपी विधायक सुनील शर्मा को आईटी विभाग दिया गया। बीजेपी की सहयोगी अनुप्रिया पटेल को इस समझ नहीं आ रहा, करीब 10 साल से बीजेपी के साथ उनकी पार्टी अपना दल है, लेकिन बीजेपी का साथ बीच में छोड़कर फिर से बीजेपी में आने वाले ओपी राजभर में आकर बीजेपी के रणनीतिकारों को क्या दिखा, जो जी भरकर प्यार अपना दे दिया, पंचायती राज जैसे पावरफुल मंत्रालय ओपी राजभर को दे दिया। निषाद समाज के अध्यक्ष संजय निषाद के लिए तो ये जबरदस्त तरीके का झटका है। अब देखिए, करीब 3 दिनों से संजय निषाद दिल्ली में डेरा जमाए हैं, लेकिन बीजेपी के आला नेताओं ने उन्हें घास तक नहीं डाली, बस लोकसभा चुनाव के लिए एक सीट दी, वो भी अपने सिंबल पर उनके बेटे प्रवीण निषाद को, संत कबीर नगर से लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे। जबकि सालों से संजय निषाद बीजेपी के दोस्त बने रहे, लेकिन ओपी राजभर जो कभी बीजेपी के दुश्मन रहे, अब बीजेपी के दोस्त बने तो उन्हें पंचायती राज और अल्पसंख्यक विभाग का मुखिया बना दिया गया। यही नहीं, उनकी पार्टी सुभाषपा से उनके एक नेता को एमएलसी भी बना दिया। अब संजय निषाद को इस समझ नहीं आ रहा होगा, आखिर ओपी राजभर में ऐसा क्या बीजेपी के रणनीतिकारों को दिखा जो उनमें नजर नहीं आया। यही हाल अभी बीजेपी के दोस्त बने जयंत चौधरी का है, वो सोच में है, मैं खुद को गठबंधन में सबसे मजबूत बीजेपी का साझेदार मान रहा था, लेकिन ओपी राजभर को जो मंत्रालय मिला उससे तो लगता है सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के सभी दोस्तों में पहले नंबर पर हैं। हालांकि आरएलडी के नेता एक उम्मीद अपने साथ बांध कर रखे हैं, जब केंद्र में बीजेपी की तीसरी इस बार सरकार बनेगी तो जरूर आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को पावरफुल मंत्रालय दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जो इन तीन पार्टियों के सर्वे सर्वाओं के बीच कॉमन बात है, वो नहीं चाहते ओपी राजभर यूपी में वैसा कमाल दिखाए जैसा कमाल ओपी राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मिलकर 2022 के विधानसभा चुनाव में दिखाया था। कहा जा रहा है एनडीए के तीनों सहयोगी लोकसभा चुनाव के इंतजार कर रहे हैं, मानकर चल रहे हैं अगर परफॉर्मेंस ओपी राजभर नहीं दिखा पाए तो जिस विभाग का मंत्री बनाया है उसे छीन लिया जाएगा।